आपका जेएमडी न्यूज में मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की विदेश यात्रा का दूसरा दिन, मालदीव के बाद आज कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक संघर्ष से भारी तनाव, बसीरहाट में बीजेपी के 3 और टीएमसी के 1 कार्यकर्ता की मौत। विश्व कप में भारत का दूसरा मुकाबला आज, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हराने की चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। एटा जिले के मलावन में निर्माणाधीन जवाहर तापी विद्युत परियोजना में होने वाली हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। निर्माणाधीन प्लांट में टीएम मशीन मटेरियल फिक्सिंग प्लांट में एक वर्कर का क्षत विक्षिप्त शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मिक्सिंग प्लांट में पड़े शव को कटर से काट कर निकाला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने इस मामले में मलावन थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस परियोजना में वर्चस्व की जंग को लेकर पूर्व में भी कर्मचारियों की हत्याएं हुई है। यही नहीं, परियोजना की सरिया चोरी के बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश हो चुका है। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने एक घर में हमला बोल दिया। बदमाशों ने घर में सो रही 3 महिलाओं को जमकर पीटा और घर से लाखों रुपए का माल लूटकर फरार हो गए। बदमाशों द्वारा लूट का विरोध जब महिलाओं ने किया तो बदमाशों ने घर की महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि घर पर कोई नहीं था, सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे और इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने घर पर हमला किया। वहीं बदमाशों ने महिलाओं को इतना मारा कि वो मरणासन्न हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 2 की हालत गंभीर होने पर उनको कानपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों को विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि गिले शिकवे दूर करने का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी नई पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना है। वो कानपुर स्थित हृदय रोग संस्थान में भर्ती अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी की पत्नी मिथिलेश को देखने आए थे। उन्होंने यहाँ पर कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और प्रदर्शन पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन और चिंतन करेंगे। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों और लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे नेताओं की बैठक 10 से 13 जून तक बुलाई गई है। बैठक में सभी से बातचीत कर सुझाव लिए जाएंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। शिवपाल सिंह ने कहा कि उनका पूरा फोकस अपनी पार्टी को मजबूत करने पर है। मरीज देख ही रहे हैं और बहुत अच्छा इलाज होता है, बहुत सस्ता इलाज होता है, तो पूरा मुझे दिखा दिया है और बहुत ज़रूरत है ऐसे बढ़ाने की और सुविधाएं देने की। तो अब सब काम तो सरकार से ही होना है, ज़्यादातर सुविधाएं तो सरकार से ही होनी है। तो देखिए अब आएगा समय तो फिर पूरी सुविधाएं मिलना चाहिए।
झांसी में थाना कोतवाली क्षेत्र के अली गोल खिड़की बाहर सुपर कॉलोनी में अचानक आग लगने से कोहरा मच गया। जानकारी के मुताबिक खुशी विरोम सेंटर के नाम से गोदाम है और इस गोदाम में फूल, झाड़ू, वाइपर, पायदान, चटाई आदि का थोक में व्यापार होता है। आपको बता दें कि रात में शॉर्ट सर्किट होने के चलते गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका परिषद अतर्रा विवादों के घेरे में है। नगरपालिका परिषद अतर्रा के अध्यक्ष ने जेएमडी न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की, आप देखिए। अतर्रा नगरपालिका इस समय विवादों के घेरे में आ रही है और हमारे साथ मौजूद है नगरपालिका के चेयरमैन जगदीश कुमार गुप्ता और भाऊ भाऊ से बात करते हैं। भाऊ, ये जो सफाई कर्मचारियों के वेतन को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ बांदा में, वो अनशन पर बैठे, ये सब चीजें क्यों पैदा? मैं तो जानता हूँ कि सफाई कर्मियों को बड़ा सम्मान देता था, मैं बहुत उनसे मिलकर काम करता था, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भड़काया गया, हटाया गया। 23 तारीख के दिन उनके साथ मेरी मीटिंग हुई कि भैया बजट पास नहीं हुआ और कानून का उल्लंघन करके हम आपको वेतन नहीं दे पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम चिट्ठी लिख रहे हैं शासन को कि भैया हमें कोई ये अपराध, ये कोई घपला, ये गबन नहीं है, हम उनको वेतन देने जा रहे हैं, देंगे। और उसके बाद हमने वेतन का 2 महीने का निकाला, पिछली रिकवरी टैक्सों की पड़ी हुई है पूर्व चेयरमैनों की, उसमें क्या हुआ कि जो वेतन निकाले हम चेक तो काट दिए, उसके दूसरे दिन बैंक में रिकवरी आ गई और काफी रुपये रिकवरी निकल गया, उससे उनको 1 महीने का वेतन मिल पाया, बाकी रुक गया। हमारी कभी मंशा नहीं थी, जहाँ वेतन की बात है, मटौन में 10 महीने से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाई न लगाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि हमारी कोशिश है, मजदूर कौन कहता है कि वो बेहतर है, वो गाँव को साफ रखते हैं, वो एकदम बेहतर है, मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और उनकी मुसीबत में भी खड़ा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है। सवाल ये है नियमों कानूनों, सम्माननीय पार्षद बजट नहीं पास कर रहे थे, आप सब समझते हैं, मुझे बोलने कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ कहता हूँ कि बजट है काम के लिए, भैया आ जाओ काम के लिए, मत जूझो दाम के लिए। गुम्मा तालाब को लेकर के विवाद पैदा है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि घूमा भी नंगा खड़ा था, वहाँ पर कई लोग मर भी गए थे, जानवर भी मरे थे, सूखा पड़ा था, नाली का गंदा पानी वहाँ पर सड़ रहा था, वहाँ की मछलियाँ लोग खाने को तैयार नहीं थे, उस पानी को मैं साफ करने जा रहा हूँ, बोर किया है, उसको श्री राम सरोवर कहा है और मैं कहता हूँ कि श्री राम के आचरण की तरह उसको अच्छा स्वच्छ साफ पीने लायक नहाने लायक पानी उसमें ला दूंगा, ये मेरा वादा है, पक्का मेरा इरादा है, चाहे जितना लोग हल्ला करे डंडा करे, कोई लूट नहीं कर रहा हूँ, न कोई लूट किया है न करूंगा। ये जो अभी नया विवाद तैयार हो गया नियुक्तियों का, भाई देखिए नियुक्ति जहाँ तक बात है, हमारे जो सम्माननीय यो साहब रहे कर्मचारी रहे वहाँ सालों से काम कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी वहाँ की नियमावली वो लोग जानते हैं, बांदा जनपद में और उनमें से और नियुक्तियाँ हुई हैं, उनका तो यही कहना है कि नियम पूर्वक हुआ है, सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ, मैं म्यूनिसिपैलिटी वहाँ की धाराएं वहाँ की कानून तो जानता नहीं हूँ, मैं नया व्यक्ति गया हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ अच्छा काम करने की, मैं वहाँ पर कोई अपॉइंटेड अथॉरिटी नहीं हूँ, ना वेतन भोगी हूँ, मैं तो स्वयं सेवा के लिए गया हूँ और सेवा करने के लिए आतुर हूँ, करूँगा। लेकिन नियुक्तियों को आप पारदर्शी मानते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जो मुझे बताया गया है, जो कार्यालय में लोग रहते हैं करते हैं, अब वहाँ चूना आता है, ये कुताही होती है, ये बिजली का बिल जमा होता है, वो जो बनाकर लाते हैं वही तो करता हूँ मैं, वहाँ बैठा थोड़ी ना सब चौकता के एक्ट और धाराएं और कानून वही नियमावली पूरे प्रदेश की मैं जानता थोड़ी ना। तो आप थे अतर्रा नगर पालिका के चेयरमैन जगदीश कुमार गुप्ता और भाव, जिन्होंने बताया कि पूर्व चेयरमैनों की अनदेखी के चलते आज नगर पालिका के गठगंडे में खड़ी है और भाव का पूरा प्रयास है कि वो अतर्रा को एक अच्छा स्वच्छ वातावरण दे सके, इसके लिए वे कार्य भी कर रहे हैं। आनंद दीक्षित, जेएमडी न्यूज, बांदा। रुक करेंगे अगली खबर का। झांसी में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में मुर्गा मछली मार्केट इंडियापुरा में छापा मारा गया।
एफटीए की टीम देखकर मार्केट में भगदड़ मच गई और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर अवैध कारोबार का संचालन करने वाले ज्यादातर कारोबारी भाग खड़े हुए। साथ ही पहुंची नगर निगम की टीम ने जेसीबी से अति अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया और अभिहित अधिकारी राजेश द्विवेदी ने बताया कि पहले भी कई बार अवैध कारोबारियों को यहां से खदेड़ा गया है। इसके बावजूद लगातार नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से कारोबार संचालन करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। मौके पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविन्द्र सिंह परमार ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो संबंधित विभाग से उसका निराकरण कराएं, लेकिन नियमों का पालन करके ही मीट और मुर्गा का व्यापार करें। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी एक्सप्रेस रोड पर जाम की स्थितियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी शुक्रवार रात ही जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पुलिस को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी थी कि अतिक्रमण न होने पाए और ऐसे में आदेशों का पालन तो दूर, अब तक कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई है। मिलीभगत के चलते सभी ठेले और खोमचे काबिज हैं और जनता भी साफ तौर पर इसे पुलिस प्रशासन की नाकामी मान रही है। हमारे पीछे भी देखिए, अगल बगल देखिए, सब कब्जा सड़क पे पूरा कब्जा है। व्यापारियों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा, ठेले वालों के द्वारा, सड़कें आधी से ज़्यादा तो लोग घेरे हैं ऐसे ही। आज कानपुर शहर की ये समस्या है, एक्सप्रेस रोड की ही समस्या नहीं, जहाँ पे आप इस समय खड़े हैं कानपुर शहर की समस्या है कि सबसे बड़ा यहाँ पे जाम का कारण बनते हैं ठेले वाले। उसके बाद जो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं उनके बाहर जो ये पार्किंग का ठेका लिए हुए हैं वो लोग अवैध वाहन खड़े करा देते हैं, जिसके कारण से हम लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ जाम लग जाता है। और रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से पिछले एक साल से लगातार अवैध वेंडरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएफ प्रभारी प्रद्युम्न कुमार ओझा ने बताया कि इस दौरान 580 अवैध वेंडरों पर कार्रवाई कर रेलवे एक्ट की धाराओं के अंतर्गत जेल भेजा गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब स्टेशन पर अवैध वेंडरों को कारोबार नहीं होने दिया जाएगा। वेंडर पर अवैध वेंडर को रोकने और उनको पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है लगातार। अभी तक इस वर्ष करीब 580 वेंडरों को हम लोगों ने गाड़ियों से, प्लेटफॉर्म, यार्ड से पकड़कर रेलवे एक्ट की धारा में बंद किया है और चेकिंग निगरानी लगातार कराई जा रही है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह के दूषित खाने से बचाया जा सके। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड
ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। हंसराज मॉडर्न स्कूल मेक्स लर्निंग जॉयफुल एंड फन फिल्ड थ्रू एक्टिविटीज लाइक साइंस पार्क, लर्न बाय लाइव कॉन्सेप्ट्स, चेस क्लब, लर्न टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, एस्ट्रोनॉमी क्लब, जर्नी बियॉन्ड स्टार्स। एट हंसराज Education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. Grand Geet Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also available on Make My Trip and GoIBibo. Grand Geet Hotels, Damal, Kanpur. Contact number 0512-237-1024, 237-1046, 979-200-685. Visit on www.grandgeethotels.com. K. Dove Padmesh ka namaskar. Ab hum aapko प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को आपका स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर का। झांसी में नगर निगम के सभागार में अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें इस बैठक में मंडलायुक्त कुमुदलता श्रीवास्तव, DIG और DM के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि कैमरे की नजर में होगा ये शहर, जिसमें स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत ये बैठक की गई है, जिसमें बताया गया कि 3 प्रोजेक्ट अभी धरातल पर उतर चुके हैं और उनका काम पूरा हो चुका है। बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो 294 करोड़ के हैं, जो HPTU कानपुर से डेट कराए जा चुके हैं। मीटिंग में तय हुआ है कि इनका टेंडर शुरू कर दिया जाए और 1 हफ्ते के अंदर टेंडर की कार्रवाई कोर्ट से कर ली जाए। और इसी बीच बड़ी खबर जालौन से। जालौन के थाना कुटौल थाना क्षेत्र के ग्राम बिजवाहा में 8 वर्षीय मासूम बच्ची का शव मिला।
खेत की गोल में मिला बच्ची के गले में शलवार से लटकता हुआ फंदा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बड़ी खबर जालौन से आपको बता रहे हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसपी और एसडीएम। कुठौन थाना क्षेत्र के बिजवाहा का ये मामला जहां 8 वर्षीय मासूम बच्ची का मिला शव। मासूम बच्ची का अर्धनग्न शव खेत में मिला। आपको बता दें शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी खबर जालौन से, जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची का मिला शव। मौके पर एसपी और एसडीएम के 5 थानों की फोर्स को बुलाया गया और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता वरुण द्विवेदी जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ बताएंगे आप? जी नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। जालौन का जो कुठौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिजवाहा आता है, वहां पर एक 8 साल की बच्ची का शव सुबह जो खेत में जो काम करने जाते हैं वहां उनको दिखाई देता है और उस बच्ची का शव जो है वो अर्धनग्न अवस्था में था। जो खेत में गूल होती है वहां पर उसका शव पड़ा हुआ होता है और उसके गले में तलवार जो है एक फंदे के रूप में, मतलब कि इस तरह से उसको बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं बच्ची की हत्या की पुष्टि तो साफ दिखाई दे रही है और जो परिजन है, जब परिजनों से बात की जाती है तो पता चलता है कि बच्ची शाम से ही लापता थी और सुबह उस बच्ची का जो शव है वो खेत में मिलता है। पुलिस को सूचना की जाती है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। एहतियातन के तौर पर 5 थानों की फोर्स को भी वहां बुला लिया जाता है। मौके पर पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह और एसडीएम भैरपाल सिंह भी मौके पर हैं, जो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि हालांकि एक जो रेप की पुष्टि है वो अभी खुलकर नहीं सामने आ रही है क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठा रही है। जी बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं खबर बनकर हमारे सामने आ रही हैं और ये ताजा मामला जालौन का आपने हमें बताया। पुलिस इस पर किस तरह से कार्रवाई कर रही है, किसी पर अब तक इस मामले में शक किया गया, किसी पर शक है? जी पुलिस जो है वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है क्योंकि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में कई जिलों में हुई है, तो इसको लेकर पुलिस कोई किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती, जिसके तौर पर 5 थानों की फोर्स मौके पर है ही और स्वैट टीम, सर्विलांस टीम और साथ ही फॉरेंसिक की टीम को भी बुला लिया गया है और साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने बताया कि बच्ची शाम से घर से लापता थी, जो कि तलाश की गई और पुलिस में रिपोर्ट लिखाते उससे पहले ही सुबह इस तरह की जो क्या कहते हैं कि सूचना सामने आ गई। तो शक के आधार पर परिजन अभी कुछ भी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो सर्विलांस और स्वैट और जो क्या बोलते हैं फॉरेंसिक टीम की मदद से एक कह सके की तह तक जाने की, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ये बड़ी खबर आपको जालौन से बता रहे हैं जहां जालौन थाना के कुठौन थाना क्षेत्र ग्राम बिजवाहा में एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची का शव खेत में मिला। आपको बता दें कि बच्ची के गले में शलवार फंदा बनाकर के फंदे से लटकी हुई थी और बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी और एसडीएम भी पहुंच चुके हैं मौके पर। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इधर बीते 7 सालों पहले शहर से स्थानांतरित हुआ बिल्हौर खाटमपुर न्यायिक क्षेत्र अधिवक्ताओं की लंबी लड़ाई के बाद वापस आ गया है। विधि मंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन में वार्ता कर खुशी को प्रकट किया। के पास स्वीकृति के लिए जाएगा, इसके पश्चात ये 6 यहाँ पर वापस आता है, कानपुर नगर में
वापस आ जाएगा और वह कानपुर में काम शुरू हो जाएगा। कानपुर बार एसोसिएशन सन 2012 से निरंतर प्रयासरत है और इस प्रयास में सफलता मिली है। ये कानपुर बार एसोसिएशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्हौर और घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्राधिकार, हम लोग की विगत 7 वर्षों से मांग चल रही थी कि इनका न्यायिक क्षेत्राधिकार हमारे कानपुर नगर जनपद से जोड़ा जाए और माननीय विधि मंत्री द्वारा हमारी इसमें सहमति दे गई न्यायिक क्षेत्राधिकार के संबंध। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि ये कानपुर बार एसोसिएशन और सभी आम अधिवक्ताओं की, वादकारियों की, वहाँ की जनता की जीत है और बहुत ही जल्द हमारा न्यायिक क्षेत्राधिकार घाटमपुर बिल्हौर तहसीलों का हमारे कानपुर नगर में आ जाएगा और आम जनता को, वादकारियों को और अधिवक्ताओं को बहुत सुविधाजनक हो। और इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से। नशे में धुत गुंडों ने जमकर किया तांडव, शादी समारोह में जमकर मचाया उत्पात। और इस तरह से दबंगों के हौसले हैं बुलंद। आपको बता दें हमीरपुर से ये बड़ी खबर, जहां नशे में धुत दबंगों ने जमकर किया तांडव, शादी समारोह में असलहे लहराकर की फायरिंग। सुमेरपुर के बड़ा कछार गांव का ये मामला, जहां नशे में धुत दबंगों ने जमकर किया तांडव। हमीरपुर से बड़ी खबर, नशे में धुत दबंगों ने जमकर किया तांडव, शादी समारोह में मचाया उत्पात, असलहे लहराकर की फायरिंग। सुमेरपुर के बड़ा कछार गांव का ये मामला, जहां नशे में धुत दबंगों ने किया तांडव। हमीरपुर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशे में धुत दबंगों ने जमकर तांडव किया। आपको बता दें कि शादी समारोह में असलहे लहराकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जैसे कि विजुअल्स आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। शादी समारोह का ये वीडियो हमारे सामने है, जहां नशे में धुत दबंगों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की। सुमेरपुर के बड़ा कछार गांव का ये मामला है, जो आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमीरपुर की ये खबर, नशे में धुत दबंगों ने जमकर मचाया तांडव। एक शादी समारोह में असलहे लहराकर लगातार की फायरिंग। सुमेरपुर के बड़ा कछार गांव का ये मामला, हमीरपुर की खबर, नशे में धुत दबंगों ने जमकर की फायरिंग। नशे में धुत दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात, शादी समारोह का ये क्लिप आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्सव के दौरान डांस करते हुए, नाचते गाते हुए, असलहों के साथ में डांस किया, इस तरह से दबंगई दिखाने की पूरी कोशिश की गई। और हमारे संवाददाता आतिश हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिश, क्या कुछ बताएंगे आप, दबंगों के हौसले तो बुलंद हैं। आतिश, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, शादी समारोह में असलहे लहराए गए हैं, फायरिंग की गई है, क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, हम आपको बताएंगे, हमीरपुर जिले के कोहरपुर थाना के बड़ा कछार गांव का मामला है, जहां पे नशे में धुत शादी समारोह में किस तरीके असलहे से फायरिंग की जा रही है। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि कोई भी शादी समारोह में से फायरिंग नहीं होगी, ना तो लाइसेंसी ना तो अवैध असला है। इसके बावजूद भी इस तरीके से सामने में प्रकाश में आ रहा, कहीं ना कहीं इसमें थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज की साफ लापरवाही दिखाई दे रही है। जी जी, किसी तरह का सवाल जवाब अब तक हुआ इनसे? इस तरह से फायरिंग की है शादी समारोह में खुलेआम, क्या कुछ कहा अपनी सफाई में? देखिए, जिस तरीके शादी समारोह में असलहा लहराया जा रहा है, खुलेआम फायरिंग की जा रही है, उस समय मैंने एसपी
साहब हेमराज मीणा से बात करी तो उन्होंने का साफ कहना है कि इसमें जो जिसे जिसकी शादी समारोह है उसको भी नोटिस दी जाएगी, अगर जो असलहा से फायरिंग कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात बताएं, उन्होंने जो अपने चौकी इंचार्ज है उसके ऊपर सख्त निर्देश दिया है कि ये अपने क्षेत्र में लापरवाही कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के आश्वासन दिया है। जी जी, चलिए कार्रवाई हो जाए तो बेहतर है, वरना हौसले किस कदर बुलंद है ये तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां नशे में धो दबंगों ने जमकर एक शादी समारोह में तांडव किया। आपको बता दें, शादी समारोह में असलहे लहराकर फायरिंग की गई। सुमेरपुर के बड़ा कछार गाँव का ये मामला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जीएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे।